एक तरफ जहां बेटियों पर हो रहे मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन वहीं हापुड़ पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। मंचलों पर हुआ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र का है, जहां ट्यूशन जा रही छात्रा को ऑटो चालक शाहरुख नाम के मंचले ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती ऑटो में खींचने का प्रयास किया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो छात्रा के साथ मारपीट कर दी गई। छात्रा ने इसकी शिकायत अपनी माता के साथ कोतवाली पिलखुवा में दी। छात्रा के साथ मंचलों द्वारा हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कई संगठन भी पिलखुवा कोतवाली में पहुंच गए। सुनकर एडिशनल एसपी सहित सीओ भी पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली में पहुंच गए। छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मंचलों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मंचलों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की है। वही हापुड़ पुलिस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में सशक्तिकरण अभियान के तहत कठोर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आज थाना पिलखुवा क्षेत्र में एक छात्रा के साथ घटित घटना के संबंध में पीड़िता की मां की ओर से थाना पिलखुवा पर एक तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना पिलखुवा पर मुकदमा अपराध संख्या 489/20 धारा 307 354 IPC पंजीकृत किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।